हमारा जो आपको यहाँ पे बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि आपके जीवन में जो भी किसी भी तरीके का अभाव है, अभाव क्या होता है जीवन में? पैसे का, पैसे का अभाव होता है ना। और आप सब लोग पैसा कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं भाई। पैसा तो आप नौकरी से भी कमा रहे थे और पैसा आप बिजनेस से भी कमा रहे थे, यस या नो? लेकिन नौकरी में सबको मालूम है, उतना डीप में मैं समझाऊंगा नहीं, नौकरी की कहावत होती है, भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की करने नहीं दूंगी। एक नौकरी करने वाला इंसान कभी भी जिंदगी में अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, सही है या गलत है? वो सिर्फ अपनी इच्छाएं और जरूरत ही पूरी कर सकता है, सपने कभी पूरे नहीं कर सकता। सपने किसके पूरे होते हैं? जो बिजनेस करता है। लेकिन बिजनेस के अंदर बाई चांस बहुत ज्यादा चैलेंज है। कब सरकार कौन सी नीति ले आएगी बिजनेसमैन को नहीं मालूम है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बगैर पैसे से शुरू होता है। पहली बात तो इसमें कोई पूंजी आपको नहीं लगानी है, क्लियर है? हमारे इसी हॉल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस से 5,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं 70,000, 80,000, 1,00,000 तक भी लोग पहुंच गए हैं। और ऐसे भी आपके ही हॉल में यहाँ पे बैठे हुए हैं जो 1,25,000 का भी चेक ले चुके हैं, 1,50,000 का भी चेक ले चुके हैं और 2,25,000 रुपए तक भी ले चुके हैं। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। इतना टाइम हो गया सर को इस लाइन में और चैलेंजेस तो आते रहेंगे, इसलिए तो प्रयास करते रहिए और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आप कामयाब होंगे, इतना मुझे यकीन है। और वीकेंड कल भी हम रात को कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से उनसे बात कर रहे थे कि सच्चाई के साथ मैं आपके सामने बोल नहीं सकती हूँ, अगर मुझे 1% भी मेरे हस्बैंड मतलब सर की नीयत में इतना सा भी अगर मुझे लगेगा ना, तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से कभी नहीं बोलूँगा। एक सच्ची कंपनी और एक सच्चे इंसान के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो लगातार चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, प्रयास करते हुए इस बिजनेस को कीजिए, आप 100% कामयाब होंगे। ये बिजनेस फैमिली का है, बच्चों को स्टेज पे बुलाने का बस इतना ही मकसद है कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि आप अकेले इस बिजनेस को उतना बड़ा नहीं कर सकते जितना अगर आपकी फैमिली साथ में हो। अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हुई है तो आप जो सपने 3 साल में, 5 साल में या 2 साल में पूरे करने वाले थे वो 1 ही साल में कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जर्नी जब शुरुआत हुई, हमने जब डिसीजन लिया कि वीकेंड को करना है, तो बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी तकलीफें आई। जहां पर थे वहां से बोला गया पहली क्लोजिंग नहीं होगी। क्या बोला गया? पहली क्लोजिंग, कंपनी भाग जाएगी। हमने पहली क्लोजिंग की दोस्त, और पहली क्लोजिंग में जो इनकम आई टीटीएस काटकर 27,761 रुपए। लोग बोले 3 महीना नहीं चलेगा, बोले अच्छा ऐसा है, मैंने दूसरे महीने वर्क नहीं किया क्योंकि मेरी मई में शादी थी। क्या थी? लेकिन वर्क नहीं किया, लोग बोले 3 महीना नहीं चलेगी, क्या चलेगी? लेकिन मार्च और अप्रैल में जो मेरी इनकम आई, दोनों महीने की इनकम 50,000 रुपए की इनकम आई। मैं बोला ये भी बड़ा बात गलत हो गया। मेरी वाइफ आई तो उस समय मैं पीक पे था, मैं घर से बाहर रहता था, वाइफ बोलती थी कहां फंस गए नलायक के पास, नहीं नहीं तो शादी कराए, इसको घर पे रहना चाहिए। तो महीने में कभी संजय जी के पास 5 दिन रहता है, तो कभी MP चला जाता है, कभी राजस्थान चला जाता है, तो कभी गया चला जाता है। बड़ा दुखित भाव से मेरे से पूछी, ये बताइए हमने क्या गुनाह किया है कि आप हमको छोड़कर चले जाते हैं। हमने बोला जानू,
प्रिय एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तो रोग लोग मुझे जोरू का गुलाम बोलेंगे, लेकिन 2 साल तक तुमने अगर मेरे को छोड़ दिया, मेरे को अपने लक्ष्य के प्रति हरदम तूने दृढ़ संकल्प दिलाया, तो मैं एक बात बता रहा हूं, दुनिया तुझे जोरू का गुलाम नहीं, राजा की रानी कहेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, राजा की रानी कहेंगे। और होना ही स्टार्ट हो गया है। आज उसकी जो भी छोटी मोटी ख्वाहिशें होती हैं, इतने पैसे वीकेंड से आ रहे हैं 70,000 से 80,000 रुपए कि उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, हम इकट्ठा क्यों है यहां पर, क्यों इकट्ठा हुए बता सकते हैं? अपने सपनों को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने भविष्य को लेके पाना चाहते हैं। आज के बाद जो भी आपका प्लान है, जिसने भी आपको वीकेंड के अंदर जो भी लेकर आया, उसकी बात को फॉलो करना स्टार्ट करेगा, 100% कामयाबी आपके पास आएगी, आपके चरण चूमेगी, कामयाबी झक मार के आपके पास आने वाली है। बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी जब आप इस बिजनेस को करेंगे ना, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। अभी हमारे विकास जी ने बताया था, जब आप किसी के पास जाते हैं तो आपको बहुत सारा रिजेक्शन मिलेगा, बहुत सारे लोग मना कर देंगे आपको। बहुत एक ऐसे बिजनेस, बहुत सारी कंपनी आई, हमें भी मिलते हैं। और मैंने एक अपलाइन से एक बात सीखी थी, हजारों लाखों आदमी के अगर आप ना सुनने के लिए तैयार है ना, नो के बाद रिजेक्शन कर दो, नेक्स्ट उसको वो आपके लिए नहीं है, दूसरे के पास जाओ, नेक्स्ट के पास। जिस दिन आप नेक्स्ट के पास जाना स्टार्ट हो जाओगे, उस दिन ब्लैक डायमंड छोड़ो, जो भी वीकेंड के अंदर लेवल होगा सब आपके पास होगा। वीकेंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें क्या क्या मिलता है इस पर गहराई से सोचना और समझना पड़ेगा। क्या मिलता है हमें यहां? सर्वप्रथम मिलता है हमें अपना हेल्थ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें सबसे ज्यादा जरूरी है हमें हेल्दी रहने की। क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को, आप सब भी समझते होंगे और आप सब भी मानेंगे इस बात को कि जिस दिन आपका हेल्थ खराब हो गया, आप परिवार के मुखिया हैं दोस्त, आपसे घर चलता है, आपसे परिवार चलता है, समाज के लोग आपसे पूछ करके कोई काम करते हैं, जिस दिन आप गिर गए, समझिए हमारी बात को, हाथी जब गिर जाता है क्या होता है, 5 बोरी नमक और 5 फीट गड्ढा वहीं पर उलट दिया जाता है, कहीं ले नहीं जाया जाता। जिसका हेल्थ गिर गया, सारे लोग पूछने वाले धीरे 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 किनारे हो जाते हैं, कोई पूछेगा नहीं आपको। तो सबसे पहले जरूरत है हेल्थ की। जब आप हेल्दी हैं तो दूसरा आपको चाहिए क्या, वेल्थ चाहिए, धन चाहिए। लोग कहते हैं ना धन की कोई अहमियत नहीं है, अरे धन तो हाथ का मैल है मेरे दोस्त। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे आपके लिए नहीं स्लोगन है, ये स्लोगन उसके लिए है जो करोड़ों अरबों कमा चुका है, जिसके हाथ से 1-2 हजार का नोट गिर जाए नीचे और उठाने में जितना समय लगता है, उतना में लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए, उस व्यक्ति के लिए हाथ का मैल है नोट, हमारे आपके लिए नहीं। हमारे आपके लिए तो अहमियत है उस नोट की, उस पैसे की, उस धन की अहमियत है। तो दूसरा हमें मिलता है हेल्थ के साथ, वेल्थ मिलता है। और हमें हेल्थ मिला, वेल्थ मिला, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर हैप्पीनेस आएगी, परिवार में खुशी आएगी। और जब खुशियां हमारे अंदर आएगी तो उस खुशियों को हम बिखेरने का काम करेंगे पूरे समाज के अंदर। मेरी जो यहाँ पे जर्नी है दोस्तों, बहुत खूबसूरत जर्नी है, क्योंकि मुझे जो मेरा नाम मान सम्मान सब कुछ वीकेंड से मिला है, इसलिए मैं मानता हूँ कि वीकेंड ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि इसने मुझे एक नाम पहचान दिलाई है, मेरा कोई शायद अस्तित्व भी ना था, अगर ये वीकेंड नहीं आता तो मुझे कोई जानता भी नहीं था दोस्तों। बहुत सारे लोग आज यहाँ पर हमारे बीच में नहीं आए, सबके बहुत सारे लोगों का ये जो यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त था, सबको मिला था, सबका लेवल अचीवमेंट हुआ था, बहुत सारे लोग नहीं आए। उसके पीछे का कुछ कारण है, कारण ये है दोस्तों कि वो अपलाइन को फॉलो नहीं करते सही से, अपलाइन की बातों को नहीं मारते सही से, अपलाइन कुछ और बोलते हैं, वो कुछ और करते हैं। मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर वीकेंड में सफल होना है तो हमें अपनी अपलाइन की बातों को मानना है,
और अपलाइन की बातों को मान के एक अपलाइन और डाउनलाइन की ऐसी जोड़ी होनी चाहिए कि अगर किसी ने आपको ज्वाइनिंग करा रखा है, कोई भी अपलाइन हो उसने आपको ज्वाइनिंग करा रखा है दोस्तों, उसका हाथ से हाथ पकड़ लो बस। जब तक आप उसका हाथ से हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक आप कामयाब नहीं बन सकते, ये 100% गारंटी है। कामयाबी का एक ही मंत्र है कि अपलाइन की बातों को फॉलो करो, अपलाइन के जो बोलता है वो आप करो दोस्तों। अपलाइन और डाउनलाइन का एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि अगर अपलाइन, जैसे मौर्या सर ने बताया कि अगर अपलाइन कहता है कि आपको ऐसा करना है तो दोस्तों वैसे ही करना पड़ेगा, तभी कामयाबी मिलेगी दोस्तों। ये व्यवसाय जो होता है वो एक दूसरे का सहयोग का ही व्यवसाय होता है। यदि आप सहयोग से नहीं काम कर पाएंगे तो सफलताएं नहीं मिल पाएगी। मित्रों, मैं अपने इस कंपनी को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अपने हम CMD साहब और हम डायरेक्टर लता शर्मा को बहुत ही स्वागत व अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। और मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं उनको इस स्टेज के थ्रू मैं उनको बताऊं, क्योंकि देखिए उनका मेन मुझे एक ही शब्द बहुत प्रिय लगता है, मैं जो कंपनी स्टार्ट किया हूं मैं अपने पैसे कमाने के लिए नहीं किया हूं, मैं तमाम जो डायरेक्ट सेलिंग में भाई लोग आते हैं और उनके सपने पूर्ण नहीं होते, मैं उनके लिए कंपनी को स्टार्ट किया हूं। और रियल में यदि आप देखें कंपनी को 14 महीने हो गया और कंपनी ने स्टार्ट किया, पैसा उनको कुछ मिला, उन्होंने आपको सभी भाई गवाह हैं उनको टूथपेस्ट के थ्रू दिया, फिर आगे कंपनी को देखा पैसा और बच रहा उन्होंने डबल कर दिया, फिर आगे देखा कि नहीं यार हमारे जो गोल्ड वाले उनको पैसा कम मिलता भी उसमें पैसा उन्होंने बांटने लगा। क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी की खासियत है मित्रों कि उन्होंने जो पहला शब्द कहा था कि मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, इस कंपनी में जितने तमाम भाई बंधु हमारे साथ कंपनी में जुड़ेंगे उनके परिवार का जो सपना रह जाता है वो सपना मैं यहाँ से पूर्ण कराऊँगा यदि वो मेरे साथ विश्वास साथ लगे रहे। देखिए यदि ईमानदार आदमी है तो यदि आप ईमानदारी से उनके साथ आप काम करेंगे मित्रों तो जरूर आपको सफलताएं मिलेगी, जरूर सफलताएं मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। कभी कभी समस्या आती है जिंदगी में, समस्या किसके पास नहीं है, जो हम लोग जहाँ जहाँ से आए हुए हैं इस रिजॉर्ट के पास बहुत लोगों को तकलीफ हुई होगी, किसी को सीट नहीं मिला होगा, किसी का रिजर्वेशन मतलब नहीं मिल पाया होगा, कोई जनरल से आए होंगे, कोई एसी से आए होंगे, मतलब कि यहाँ तक आने में बहुत प्रकार की समस्या हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन हम लोग का मंजिल एक है, सपना एक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि सफल वही व्यक्ति होता है जो हर समस्या को फेस करता है, हर समस्या को फेस करता है वही सफल हुआ है, और जिन्होंने इतिहास बनाया है वो हर समस्या को फेस करके इतिहास बनाया है सर। अगर सफलता आसानी से मिल जाती तो सफलता की कोई कदर ही नहीं होती, अगर सफलता आसानी से मिल जाती तो सफलता की कोई कदर ही नहीं होती, सारे लोग सफल हो जाते कि नहीं हो जाते, लेकिन सफल वही होते हैं जिनको अंदर से विश्वास होता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए है, मैं कर सकता हूँ ये मेरे लिए है। बिजनेस को स्टार्ट करते करते और हमको बड़ी कठिनाइयाँ हुई क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमको जानते नहीं थे, मगर फील्ड में जब जाते थे घूमते फिरते थे तो कभी कभी क्या होता था कि कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते थे जिससे आदमी सुन के दृढ़ होकर बिजनेस छोड़ देता है, मगर हमने अपने मन में ठान लिया था कि हम जब VKM को ज्वाइन किए हैं तो हमारे साथ कितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, कितने भी कुछ आएंगे, तो हमको जो है गुब्बारा नहीं बनना है, हमको पेट्रोल बनना है। तो इसी के ऊपर जो है मैंने बिजनेस को चालू किया और मैं इस पदार्थ बोलता हूँ कि डबल डायमंड हो गया इस कंपनी में जो है, कंपनी का जो टारगेट जो है अच्छे बिजनेस जो है बहुत बढ़िया है, और इस प्लान को जो है आप लोग बताइए, और क्योंकि प्लान ऐसा है कि प्लान हर कंपनियों से अच्छा प्लान है, तो इसको बताने के बाद जो है इसको प्लान के उतरिए और बढ़िया से काम कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया से फील्ड में काम करेगा वो 100% होगा कि सक्सेस होगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि हमारे साथ भी हैं जो लोग हम फ़ोन करते हैं किसी को, कोई कहता है कि हम घर पर हैं मगर वो फील्ड में नहीं मिलता, वो झूठ बोलता है कि वो अपने आप को धोखा देगा, हमको थोड़ा धोखा है, क्योंकि बिजनेस ऐसा अपना है, क्योंकि इसमें जो है आप जो है जितना मेहनत कीजिएगा उतनी आपको तरक्की मिलेगी, और कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जहाँ से आप टर्नओवर जो है पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, क्योंकि इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं जब इसको बातें मैं समझ गया तो मैंने अपने आप को जो है फील्ड में झोंक दिया, और झोंकने के बाद जो है मैं इस कदर आया, और जो दूसरी बात और अब जो है मैं इस कंपनी में जो ब्लैक डायमंड के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और ये ब्लैक डायमंड भी मेरा 100% है कि होगा, क्योंकि जो मैं बातें बोलता हूँ वो होता भी है, मुझे अपने पे विश्वास है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने पे विश्वास होगा वो कितने से कितने बड़ा पहाड़ भी
तोड़ देगा। साथियों अगर अपलाइन की बात की जाए तो अपलाइन वो चीज़ होते हैं, वो चीज़ हैं जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना कि प्रयास करता हूँ। एक अंधेरी जगह में एक व्यक्ति खड़े थे और खड़ा होकर के जितनी उस रास्ते से गाड़ियां जा रही थी सबको वो रुकने का प्रयास कर रहे थे, वो हाथ दे रहे थे भैया रुक जाओ, लेकिन उनकी बात सुन नहीं रहे थे, रुक जा रहे थे, चले जा रहे थे, स्पीड में आ रहे थे, चले जा रहे थे। उन्होंने बाइक को भी हाथ दिया है, फोर व्हीलर को भी हाथ दिया कि रुक जा भैया, लेकिन किसी ने नहीं रुका। कुछ लोगों ने रुका, कुछ पल लोगों ने रुका, और जिन्होंने रुका तो लोग ये समझ रहे थे कि ये अंधेरे में खड़े इसलिए हैं कि इनको लिफ्ट की आवश्यकता है और ये भी हमारे साथ कुछ दूर तक जाना चाहते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति ने रुका और पूछा तो सर बोले कि मुझे जाना नहीं है, मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ कि आगे में बहुत बड़ी गड्ढा है, मैं रुक रुक करके लोगों को रुक रुक करके सचेत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इस रास्ते में टर्निंग है, एक डाइवर्सन है, वहाँ से आप रुक जाइए और डाइवर्सन से जाइए, नहीं तो आप वरना गड्ढे में गिर जाएंगे। यह हमारे अपलाइन की काम होती है। और हम लोग जिस अपलाइन की बात नहीं मानते हैं तो वही डाइवर्सन नहीं उसी गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं और फिर अच्छी खासी कंपनी को हम लोग ये कहते हैं कि मैंने भी तो ज्वाइन किया था, मेरा कुछ नहीं हुआ। साथियों आपका कुछ नहीं हुआ, होना ही तो था, होने के लिए ही तो आपके साथ अपलाइन रास्ते में खड़े होकर रात के अंधेरे में खड़ा होकर के आपके साथ खड़े थे, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी।